उज्जैन शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र में बीती देर रात माँ और दो बेटों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। हत्या का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। हत्या करने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए हैं, तो वहीं घायल युवक का उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें, उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस को देर रात करीब 12 बजे पुलिस को हत्या की सूचना मिली। नीलगंगा चौराहे पर भैरू बाबा मंदिर के पीछे किराए के मकान में रहने वाले रेखा वाघेला के दो बेटे दीपक वाघेला और अंकित वाघेला रहते हैं, जिनका विवाह क्षेत्र में रहने वाले महेंद्र उर्फ बंटी के साथ हुआ था। विवाद में दोनों भाइयों ने मिलकर बंटी को चाकू मार दिया। घटना की जानकारी लगने पर उज्जैन एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद और सीएसपी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पराशर ने बताया कि मृतक 23 वर्षीय महेंद्र उर्फ पंटी है, जिसकी छाती पर चाकू से वार कर हत्या की गई। घटना में दोनों भाई से विवाद क्या था ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल मां और दोनों बेटे घटनास्थल से फरार हैं। विवाद हुआ तो घायल महेंद्र ने लोकेश गोरकर को आवाज लगाई। लोकेश व अन्य साथी घायल को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया। रहवासियों ने बताया कि दीपक वाघेला, अंकित वाघेला सहित मां रेखा वाघेला ने पथराव कर हत्या को अंजाम दिया। आरोपी मां बेटे करीब 4 वर्ष पहले किराए पर रहने आए थे। मृतक महेंद्र दूध की गाड़ी चलाता था, वो भी इसी क्षेत्र का रहने वाला है। कहां से? नीलगंगा चौराहे से। क्या घटनाक्रम हुआ है? मैं तो मतलब उस समय वहां पे था, नहीं बाकी मैं बाद में आया तो ये खून बह रहा था इसके शरीर से, तो चाकू लगे थे। कौन लोग होंगे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? ये वही के चौराहे के कुछ हो रहे हैं। नाम अगर आए हैं? दीपक और अंकित और उसकी कोई लेडीज थी। बाकी इस चीज़ को लेकर विवाद होगा तो विवाद है इनसे पुराना? नहीं, क्या थी मार रही थी वो ईट भाटे मार रही थी। ये लड़के भी वहीं रहते हैं क्या? हाँ, कोई विवाद हुआ कि नहीं? पुराना कोई है? पुराना कोई विवाद है? नीलगंगा चौराहे पर एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें महेंद्र तोमर को चाकू लगे हैं और पुलिस को सूचना मिली है, कार्रवाई कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी ये घटना घटित की है उनकी विरुद्ध कार्रवाई। चाकू लगने के बाद क्या स्थिति है उसकी? अभी तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया है और उनकी इसमें मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अग्रिम कर रही है। कारण कुछ मालूम? अभी कोई कारण सामने आया नहीं है। उनके परिवार वालों से या मौके पे जो लोग भी उपस्थित थे उनसे जानकारी ली जा रही है। जैसी जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से कितने आरोपी हो सकते हैं ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ही उनसे पूरी चर्चा हो जाएगी उसके बाद ही बताएंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।